हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पियर्स साबुन का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये है पियर्स ऑयल क्लियर एंड ग्लो 98% प्योर ग्लिसरीन एंड लेमन फ्लावर एक्सट्रैक्ट, लुक यंग स्टे यंग। तो यह आता है कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में। पियर्स की जो साबुन की पैकेजिंग होती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी तरह से पैक होकर आते हैं ये। इसकी आउटर पैकेजिंग भी और इनर पैकेजिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये है 41 रुपीज का। शेल्फ लाइफ है इसकी 2 साल। प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है इसकी 75 ग्राम। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इंग्रीडियंट्स वगैरह भी मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर इसकी बाकी सारी डिटेल्स मेंशन की गई है। आप देख सकते हैं पियर्स ऑयल क्लियर एंड ग्लो इज मेड विद 98% प्योर ग्लिसरीन एंड लेमन फ्लावर एक्सट्रैक्ट। यूज पियर्स टू प्रिजर्व योर नेचुरल ब्यूटी, स्टे ऑयल क्लियर, स्टे यंग। पियर्स में ना आपको और भी काफी सारी अलग अलग वेरियंट्स के साबुन मिल जाएगी। इसमें ना 3 वेरियंट्स आती है, तीनों भी मैंने इस्तेमाल किए हैं, तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरह की है इसकी इनर पैकेजिंग, बहुत ही अच्छी तरह से पैक होकर आते हैं ये हमारा साबुन। आप देख सकते हैं इसके ऊपर पियर्स लिखा हुआ है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं हमेशा से यही साबुन इस्तेमाल करती आ रही हूँ। बीच में मैं कभी कभी चेंज के लिए दूसरा इस्तेमाल करती हूँ, पर कई सालों से मैं जो साबुन इस्तेमाल कर रही हूँ वो पियर्स ही है। चाहे कोई भी वेरियंट हो पर मैं ये साबुन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अपनी अपनी जगह तीनों की ही फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं अक्सर समर्स में इसका जो ये वाला साबुन है यही इस्तेमाल करती थी। स्पेशली ऑयली स्किन के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से ऑयल क्लियर कर देता है और साथ ही साथ स्किन मॉइस्चराइज भी रहती है इससे। ऐसा नहीं कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी ये साबुन। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ये वाली वेरियंट तो इसकी जरूर ट्राई करके देखिए। वैसे इसमें दूसरी जो साबुन है वो भी बहुत अच्छी है। एक आती है इसमें नेचुरल ऑयल्स और एक आती है सॉफ्ट एंड ग्लो, तो वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उन दोनों की भी फ्रेग्रेंस कमाल की है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैं अपना फेस हमेशा इससे ही धुलती हूँ, बहुत पसंद है मुझे ये साबुन। तो आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए तो ये बेस्ट साबुन है। और इसमें ना फेस वॉशेज भी अवेलेबल है, आप चाहो तो वो भी ट्राई कर सकते हो। फेस वॉशेज जो होते हैं वो साबुन के कंपैरिजन में थोड़े हाइजीनिक होते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, पर मुझे तो साबुन भी अच्छा लगता है इसका। और ये साबुन ना ज्यादा नहीं घुलता, एक साबुन आपको काफी टाइम तक चल भी जाएगा, और इतना कुछ महंगा भी नहीं है ये, काफी अफोर्डेबल भी। और वैसे भी जो ग्लिसरीन साबुन होती है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उससे ना स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है वो उड़ता नहीं है, मॉइस्चराइज रहती है स्किन उससे। और विंटर्स में तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ग्लिसरीन साबुन ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो अगर आप ग्लिसरीन साबुन इस्तेमाल करोगे ना तो आपका फेस ड्राई भी नहीं होगा और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। तो विंटर्स के हिसाब से दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन इजीली मिल जाएगा, 3 के पैक में भी अवेलेबल है, सिंगल भी मिल जाएगा आपको। तो आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो, हाईली रिकमेंड करूंगी मैं आपको। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप और भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।